एवरीवन नमस्कार, मैं हूं शरण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूं वो है BSTC एग्जाम 2021 राजस्थान की कराए एमसंस करती। फ्रेंड्स, इसमें आपको टॉप मोस्ट 20 MCQ देखने को मिल सकते हैं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और BSTC और PTET के लिए फ्रेंड्स, विशेषकर जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो अभी तक आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि चैनल के माध्यम से जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस ली जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती हैं। चलते हैं, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि डोला मारू बिलावल रागिनी चित्र सुरसागर व रसिक पीरिया इत्यादि चित्र किस शैली से संबंधित है। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, बात करते हैं डोला मारू है, बेलबिला रागिनी है, सुरसागर, रसिक पीरिया जो इत्यादि जो चित्र हैं वो मेरे फ्रेंड्स किस शैली से संबंधित है। तो आप सभी लोग याद रखना कि भाई अगर डोला मारू पूछता है, बिलावल रागिनी पूछता है, सुरसागर रसिक पीरिया के जो चित्र हैं वो फ्रेंड्स आपको जोधपुर शैली के अंदर देखने को मिलेंगे, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि वह स्थान जो मृदा शिल्प या फिर मिट्टी के बर्तन या फिर आप बोल सकते हो टेराकोटा, जो टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है वो मेरे फ्रेंड्स कौन सा है। तो आप यहाँ से याद रखना, जो मलेला गांव राजसमंद के अंदर है, कौन सा मलेला गांव राजसमंद के अंदर आपका किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे फ्रेंड्स, तो आपका टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से इतना सा याद रखना अपने, जो सांगानेर है सांगानेरी प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए है सांगानेरी प्रिंट के लिए। तो यहाँ से इतनी सी बातों को याद रखना ताकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, ये भी आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे फ्रेंड्स। देखिएगा कि गायों का मनोरम दृश्य अंकन निम्न में से किस चित्र शैली की अनुपम विशेषता है, यानी कि किस चित्र शैली की जो अनुपम विशेषता है वो क्या है गायों का मनोरम दृश्य। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आता है वो क्या हो जाएगा, हाँ यहाँ से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नाथद्वारा शैली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाथद्वारा शैली, यानी कि फ्रेंड्स नाथद्वारा शैली के अंदर क्या है गायों का मनोरम चित्र आपको देखने को मिलता है। कहाँ पे देखने को मिलता है, नाथद्वारा शैली के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन की राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से आप याद रखना, देखिएगा अपन को क्या पूछा है कि राजस्थानी चित्रकला का मूल शैली किस चित्र शैली को माना जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेवाड़, यानी कि फ्रेंड्स जो मेवाड़ है ये क्या है आपकी सबसे पुरानी चित्र शैली है। मेवाड़ सबसे प्राचीन है, कौन सी है सबसे प्राचीन चित्र शैली है, कौन सी मेवाड़ की चित्र शैली। तो इसलिए फ्रेंड्स इसको क्या बोला जाता है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली बोला जाता है। तो यहाँ से आप याद रखना कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेवाड़ आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि किस शासक के काल में जयपुर शैली पर कंपनी शैली का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। तो फ्रेंड्स देखिएगा, किस शासक के टाइम में जो है जयपुर की शैली है उस पर जो है कंपनी यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव परिलक्षित होने लगा था। तो मेरे फ्रेंड्स आप यहाँ से याद रखना कि यहाँ से जो आपके शासक कौन थे सवाई जगत सिंह के टाइम में क्या था कि भाई जो जयपुर शैली के अंदर कंपनी शैली का भी प्रभाव आपको देखने को मिलता था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सभी के लिए फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि भित्ति चित्रण परंपरा किस शैली के अंतर्गत अपने सर्वोत्कर्ष पर रही है। तो देखिएगा, बात करते हैं अगर भित्ति चित्र की, तो जो आपका भित्ति चित्र है वो फ्रेंड्स कहाँ से संबंधित है, शेखावटी से है। कहाँ से है, शेखावटी से। जबकि फ्रेंड्स आपको अगर पूछता है पशु पक्षियों के चित्र,
किसके? पशु पक्षियों के चित्र, तो फिर आपकी क्या हो जाएगी? बूंदी शैली हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बूंदी शैली। जबकि शेखावटी का पूछता है तो जो भित्ति चित्रण है वो आपका कहाँ से है? शेखावटी शैली के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सभी के लिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा कि मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है जो ताड़ पत्र पर रचित चित्र है। यानी कि फ्रेंड्स देखिएगा मेवाड़ की जो शैली है उसका जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है जो किस पर रचित है, ताड़ पत्र पे रचित एवं चित्रित है, तो वो फ्रेंड्स आपका कौन है, कौन सा है? श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र सूर्णी। कौन सा है? श्रावक प्रतिकर्मण कर्मण सूत्र सूर्णी। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है तो आप याद रखना कि इसका राइट आंसर क्या है, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र सूर्णी। ये मेवाड़ शैली का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है जो किस पे लिखा हुआ है, ताड़ पत्र पे लिखा भी हुआ है और चित्रित भी है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि भारतीय डाक विभाग ने किस देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा आप सभी के लिए ये भी क्वेश्चन है, देखिएगा अपन से पूछा है, एक मिनट फ्रेंड्स। हाँ आपसे क्या पूछा है कि भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया था। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ से आप याद रखना, आप सभी को अच्छे से पता होगा कि भाई देव नारायण जी के जो हैं इन पे फ्रेंड्स 1992 के अंदर क्या किया था, डाक टिकट जारी किया था। क्या किया था? डाक टिकट जारी किया था। और फ्रेंड्स ये जो है देव नारायण जी की फड़, आप यहाँ से इतना सा भी याद रखना कि ये सबसे लंबी फड़ है और सबसे छोटी भी है। और छोटी क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स ये किस पे चित्रित हैं, डाक टिकट पे। इस फड़ को छापने के बाद ये ही क्या हो गई, सबसे लंबी भी हो गई और सबसे छोटी भी हो गई। कौन से? देव नारायण जी की फड़। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे आपकी मतलब वो इसको क्या बोला जाता है कि हाँ लोकप्रिय फड़ कौन सी है, लोकप्रिय आपकी कौन सी हैं, तो फिर आप क्या बताओगे, बाबूजी की फड़ क्या है, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ हैं। तो ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स ये जो है देव नारायण जी की तो फड़ की जो है वाचन कौन करते हैं, गुर्जर जाति के बोबे करते हैं, क्योंकि जो बाबूजी की हैं ये फ्रेंड्स मेरे ख्याल से रेबारी करते हैं, है ना। यहाँ से आप इतने सब बातों को याद रखना। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को माना जाता है। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे क्या पूछा है, जयपुर चित्रकला शैली का जो स्वर्ण काल है किस शासक के टाइम में माना जाता है, तो सवाई प्रताप सिंह के टाइम का फ्रेंड्स जो जयपुर के लिए है वो चित्रकला शैली का क्या माना गया है, स्वर्ण काल माना गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ए यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन कि बीकानेर शैली का प्रारंभिक चित्र भागवत पुराण किस शासक के समय चित्रित हुआ था। फ्रेंड्स देखिएगा बात करते हैं बीकानेर की और बीकानेर के अंदर कौन सा भागवत पुराण किस शासक के टाइम में क्या हुआ है, चित्रित हुआ है, तो महाराजा राय सिंह के समय में जो चित्रित हुआ है बीकानेर शैली के अंदर, उसका फ्रेंड्स क्या है, नाम क्या है, भागवत पुराण है। कौन सा है? भागवत पुराण। और किसके टाइम में हुआ है? महाराजा राय सिंह के टाइम में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है सी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड अच्छा क्वेश्चन है ये भी आप सभी के लिए कि कौन सा चित्रकार बीलों के चितेरे के रूप में विख्यात हैं। तो फ्रेंड्स देखिएगा बीलों का चितेरा किसको बोला गया है, तो आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए कि आपके जो बीलों का चितेरा बोला गया है वो किसको, गोवर्धन लाल बाबा को बोला गया है। किसको बोला गया है? गोवर्धन लाल बाबा को बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। फ्रेंड्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है
जबकि अगर आपसे पूछता है क्या बैसों के चितेरे, तो बैसों के चितेरे किसको बोला गया है? परमानंद चोयल को बोला गया है। क्या? बैसों का चितेरा, बैसों का चितेरा किसको बोला गया है? परमानंद चोयल को बोला गया। तो ये फ्रेंड्स दोनों बातों में कंफ्यूज मत होना। भीले के चतुरे तो किसको बोला गया है? गोवर्धन लाल बाबा को बोला गया है। और परमानंद चोयल को क्या बोला गया है? बैसों का चितेरा बोला गया है। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि बीकानेर के लहरिए व मांडने प्रसिद्ध हैं। बीकानेर के फ्रेंड्स क्या प्रसिद्ध है? लहरिए और मांडने। तो फ्रेंड्स आपको क्या बताना है कि सांगानेर के क्या प्रसिद्ध हैं? तो सांगानेर के फ्रेंड्स कौन से प्रसिद्ध हैं? सांगानेरी प्रिंट। सांगानेर के अंदर आपको क्या प्रसिद्ध देखने को मिलेगा? सांगानेरी प्रिंट। आपकी जो अजरक प्रिंट है आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? बाड़मेर के अंदर। कहाँ पे देखने को मिलेगी? बाड़मेर के अंदर। और आजम और जाजम, जाजम आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी? चित्तौड़ के अंदर, अकोला चित्तौड़ के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? जाजम देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप इतनी सी बातों को क्लियर रखना। नेक्स्ट आपका अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आप सभी के लिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपका कहाँ का है? जोधपुर के अंदर जो प्रसिद्ध है वो फ्रेंड्स कौन सा है? पानी का बर्तन बादला। तो ऑप्शन नंबर जो आपका है सी यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि सावन शैली के प्रसिद्ध चितेरे नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किस शासक के संरक्षण में 1605 के अंदर किया था? तो फ्रेंड्स यहाँ से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अमर सिंह प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर सिंह प्रथम। यानी कि अमर सिंह प्रथम के टाइम में फ्रेंड्स क्या है कि जो है प्रसिद्ध सितारे हैं नसीरुद्दीन ने रागमाला का चित्रण किया है। कब किया है? 1605 के अंदर। तो यहाँ से ये भी बातें याद रखना। नेक्स्ट आप सभी के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरे ओवरी नामक कला विद्यालय स्थापित किया था? यानी उदयपुर के अंदर किस शासक ने राजमहल के अंदर चितेरे ओवरी नामक से क्या कला जो विद्यालय है वो स्थापित किया था? तो आपका यहाँ से जो राइट आंसर निकल के आएगा क्या आएगा? जगत सिंह प्रथम। यहाँ से ऑप्शन नंबर जो सी है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि जगत सिंह प्रथम ने फ्रेंड्स उदयपुर के राजमहल के अंदर चितेरे ओवरी नामक जो कला विद्यालय है उसका उसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फ्रेंड्स आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि भित्ति चित्रों के लिए विख्यात बूंदी की चित्रशाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देखिएगा फ्रेंड्स ये भी आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भित्ति चित्रों के विख्यात के लिए विख्यात बूंदी चित्र शाला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो यहाँ से फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और अगर हम बात करते हैं चित्रशाला की तो फ्रेंड्स किसने करवाया? जो आपके हैं राव राजा उम्मेद सिंह ने करवाया। किसने करवाया? उम्मेद सिंह ने करवाया है। किसका? चित्रशाला का निर्माण। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान की कौन सी चित्र कला शैली सबसे प्राचीन क्रम है? तो अभी मैंने बताया कौन सी है, मेवाड़। तो ऑप्शन नंबर सी। मेरे ख्याल से और डिटेल में बताने की यहाँ से आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इसके आगे मैं आपको जस्ट बता चुका हूँ। तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेवाड़ शैली आपकी सबसे प्राचीनतम जो चित्रकला शैली है। नेक्स्ट फ्रेंड्स अच्छा क्वेश्चन है ये भी कि राजस्थान के किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया है? तो देखिएगा अगर अपन बात करते हैं मीनाकारी की तो मीनाकारी आप सभी को बताएं कहाँ की हैं? जयपुर की। तो जयपुर का जो राजघराना है इन्होंने किसको प्रोत्साहित किया है? मीनाकारी को प्रोत्साहित किया। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है डी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के किस जिले की मेहंदी सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स पाली जिले की है और पाली के अंदर कौन सा है आपका गांव? सोजत है। कौन सा है? सोजत है। तो सोजत पाली की क्या प्रसिद्ध है? मेहंदी प्रसिद्ध है। तो यहाँ से आप ये याद रखना ताकि अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपका क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होना चाहिए।
नेक्स्ट फ्रेंड्स, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज के इस वीडियो का कि राजस्थान ललित कला अकादमी कहाँ स्थापित है। तो देखिएगा, बात करते हैं अगर राजस्थान ललित कला अकादमी की, तो वो फ्रेंड्स आपकी कहाँ पे हैं, जयपुर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, ये थे आज के अपने टॉप मोस्ट 20 MCQ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके फ्रेंड्स अपने सभी फ्रेंड्स तक आपको पहुंचाना है, ताकि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सभी के पास में ये वीडियो पहुंचे और उन सभी को यहाँ से बहुत सारी सहायता मिल सके। फ्रेंड्स वीडियो को एंड में एक प्यारी सी कमेंट कर देना, जिससे क्या होता है कि हम लोगों का मनोबल बढ़ता है और दुगनी रफ्तार के साथ में आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। फ्रेंड्स देखिएगा, जो भी आपको उचित लगता है, यानी कि क्या आपको वीडियो में और आपको सजेस्ट करना चाहिए, पहले क्या पढ़ाना चाहिए, तो ये सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।